प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज रीवा के टीआरएस कॉलेज में मधुमक्खी पालन का विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर में कॉलेज के टीचरों को प्रशिक्षण दिया गया। हम आपको बता दें, एक्सपर्ट का साफ तौर से कहना है, मधुमक्खी पालन में जितनी कमाई है खेती में उतनी नहीं है। नमस्कार, मैं जावेद, मैं मौजूद हूँ रीवा के टीआरएस कॉलेज में, प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक। यहाँ पर लगातार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी बताए जा रहे हैं जिससे उनका आगे चल के भविष्य बेहतर हो। इन बातों को लेकर आज हमारे पास तीन एक्सपर्ट मौजूद हैं। क्या है आज की कार्य प्रणाली आपकी, किस तरीके से आप नए समय में नई शिक्षा नीति के साथ, नई कार्य प्रणाली के साथ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की तरफ कैसे आकर्षित कर रहे हैं? जावेद भाई, जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना है, इसका मुख्य काम है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। हम बच्चों को लगातार, इसके पहले भी हमने लगातार बच्चों को ट्रेन किया है, और जिस विषय पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं उससे संबंधित रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के बाद रोजगार की तरफ उनका भविष्य बेहतर बने, इस दिशा में ये टीम काम कर रही है। आज किस चीज का प्रशिक्षण? जी सर, इसमें आज समझिए सर कि डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जो हमको 9 ब्लॉकों में रीवा जिले के अंदर मिला था, वो संपूर्ण बच्चों के माध्यम से हमने सभी 9 ब्लॉकों में पूरा किया। इसके बाद आज मैंने सोचा कि आप शिक्षकों के माध्यम से यदि अगर बच्चों तक हम बात पहुंचाते हैं, उस किस चीज का है आज ये बताइए? बिहाइंड बी कीपिंग, साइंस बिहाइंड बी कीपिंग का था। ये दोनों प्रोग्राम को सबमिट करके आज टीआरएस कॉलेज के शिक्षकों के माध्यम से हम बच्चों तक और संदेश देना चाह रहे हैं। मधुमक्खी पालने के बाद क्या उसमें इतने पैसे आ सकते हैं कि बेहतर तरीके से परिवार पाला सके? बहुत अच्छी बात आपने पूछा सर। इसमें तो आप ये समझे कि अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो जितने भी कृषि या कोई भी व्यवसाय है उससे कई गुना बेहतर रूप से कम लागत में और अच्छे पैमाने में व्यवसाय किया जा सकता है। कम लागत में बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है, सीधा सा मतलब है। बच्चा पढ़ने के बाद, जब आप पढ़ाने के बाद उनको बाहर भेजते हैं, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा, लेकिन एक समस्या ये होती है, ट्रेनिंग तो आपने दे दी, किस तरीके से बच्चा व्यवसाय करे ये भी आपने बता दिया, लेकिन फाइनेंस कैसे हो? जावेद जी, देखिए, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग और हमारा स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन की जो योजना है, इस योजना के माध्यम से, जैसा कि डॉक्टर अच्युत पांडे सर संभागीय नोडल अधिकारी हैं और उनका मुख्य ऑफिस महाविद्यालय टीआरएस कॉलेज है, तो हम लोग इस प्रकार की गतिविधि का आयोजन करते रहते हैं, आपको मालूम है, और इसके साथ साथ अनेक कंपनियों को बुलाते हैं हम लोग, तो ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी वित्त की व्यवस्था कैसे हो, इस बात को भी हम लोग इस पे मद्देनजर रखते हैं, और एक फीडबैक सिस्टम भी डेवलप किया है सर ने, तो हम फीडबैक भी लेते हैं कि आगे स्वरोजगार की दिशा में बच्चा कौन सा कदम आगे बढ़ा रहा है, वो किस सफलता के किस पायदान पे पहुंच गया है। और खासतौर से ये जो मधुमक्खी का है, आज मैं भी इसे सुन रहा था, इसमें तो बहुत ही बढ़िया, माने बहुत कम लागत में, लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन है तो वो बहुत कम लागत में एक अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, सबसे बड़ी बात है कि जो हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देना मगर हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अपने बच्चों को जिनको हमने पढ़ाया है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, उनका परिवार बेहतर तरीके से आगे चले, इसका भी इंतजाम हम लोग करते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा छात्रों वाला ये कॉलेज लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है। आज जैसे मधुमक्खी पालन की अभी बातचीत हो रही थी, मधुमक्खी पालकर कम पैसे में एक बेहतर परिवार का भरण पोषण हो सकता है। आज के लिए इतना ही।